हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पाली शहर के नहर पुलिया स्थित वीर दुर्गादास नगर में घर के बाहर खड़ी गाड़ी के शीशे तोड़ने को लेकर लोगों में आक्रोश पनप गया। कोतवाली थाना ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। वीड़ी नगर निवासी दिलीप दवे ने बताया कि बीती रात्रि को उनकी गाड़ी गली के बाहर खड़ी थी। शरारती तत्वों ने पत्थर फेंक कर गाड़ी के आगे और पीछे के शीशे तोड़ दिए और मौके से फरार हो गए। बीते सप्ताह इसी मोहल्ले में घरों के बाहर खड़ी गाड़ियों के शीशे तोड़े गए थे। कोतवाली थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर मोहल्ले से सीसीटीवी फुटेज होता है जिसके आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है। क्या हुआ? कल रात को जैसे 12 बजे मैं आया था, हमारे समाज में गरबा चल रहा है, वहाँ से कंप्लीट होकर आया था। उसके बाद मैं गाड़ी यहाँ खड़ी कर दी, फिर अंदर रेस्ट किया। 12:30-1 बजे मैं सो रहा था और लगभग 1 और 2 के बीच की ये बात है कि किसी ने आए और पत्थर हमारे इधर से उधर से उठा के सारे पत्थर इनके ऊपर मार दिए। और किसी पर शक के मतलब नहीं, शक में अब किसको किसके ऊपर कर सकते हैं? जब तक नहीं आंखों से देखेंगे तो अपन किसी का कह सकते हैं। फिर मैं सुबह कोतवाली गया था यहाँ पे, तो उन्होंने मुझे बोला कि रात को गज की गाड़ी आई थी, उन्होंने गाड़ी ने देखा कि ग्लास यहाँ से टूटे हुए थे, पत्थर यहाँ बिखरे हुए थे, पर रात को किसको बोला मैं, इसके हिसाब से वो निकल गए थे नाइट जस्ट वाले। पाली से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।